ग्राम हरकटवा के राजेंद्र देवी तारा मती देवी ने भी रिश्वत नहीं दिए, जिसका नतीजा उन्हें अपना घर लिंटर तक बना लेने के बाद भी कई सालों से कार्यालय का चक्कर लगा रही थी। जिस समस्या पर मैंने मार्च महीने में वीडियो बनाई थी, तो वो एक घर अधूरे बतावलो रहे के दिक्कत बा। सर वो पहले जैसे वो घर ऐसा अधूरा बानो, पहले मैंने कितना दिन पहले वो पैसा मिला रहा इंदिरा आवास? तो 3 साल हो खाता। 3 साल में कितना पैसा वो मिला रहा पहले? तो 30,000। 30,000, हाँ। अभी अधूरा पैसा रहने के नहीं के मिलल बा। तो वो अब का मैंने चाहता नहीं का आप चाहता नहीं पाती? अब ये अब अपन कमाल जाए धमाल जाए कुछ और एने से पैसा वैसा मिल जाए तो अपन मिला जुला कर अपन करल जाए काम, देखल जाए घर के तैयारी करल जाए। अब सब दिन ऐसने नहीं न रहल जाए। मैं अपने समुदाय के मदद के साथ इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों से हो रहे अवैध उगाही को रोकने में सक्षम थी और इसके लिए मैं वीडियो बनाने के बाद इन लाभार्थियों को चिन्हित करने के बाद बैठक कराई और रिश्वत नहीं देने की शपथ दिलाई और दूसरे किस्त की राशि के लिए आवेदन कराने के बाद इंदिरा आवास सहायक पर दबाव बनाया। ठीक 3 महीने के बाद ही सूचना मिला कि अपना पैसा निकालकर घर का काम कराना शुरू करे। राजेंद्र देवी, तारा देवी और तारामती देवी तीनों का हमने एडवाइज बैंक को भेज दिया है जी। और बैंक में पोस्टिंग भी हो गया, उसका आप जाकर पैसा निकाल सकते हैं। जुकनी देवी थोड़ा देर से मिला है उनका आवेदन, नेक्स्ट में उसके भी निष्पादन कर। समस्या ये रहे जे हमने के अधूरा मने नहीं मिले रहे, हम वार्ड से जा कहले रह वार्ड हमने काम नहीं कर अधूरा इंद्रवास रहे बाकी रहे। हाँ, तब वहाँ से तंजू देवी से के पकड़ा नहीं सा, तो हमने खातिर बहुत मने दौड़ धूप पैला, ओकरे बाद से वे मिलल बा। कितना रुपये पैसा मिलल? 15,000। इस बदलाव से मुझे खुशी के साथ सीख भी मिला और इस बदलाव में सहयोग करने वाले सभी दर्शकों और वीडियो वॉलंटियर के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।